अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के सबसे बड़े पर्व ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर शहर के मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में कोरोना के कहर के बीच सरकार की गाइडलाइन ने भले ही कुर्बानी से लेकर नमाज अदा करने के लिए एक सीमा रेखा खींच दी हो, बावजूद इसके हटिया, अटाला, करेली सहित तमाम बकरा बाजारों में इस बार कुर्बानी के लिए कोरोना फ्री बकरे लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इस बार परंपरागत बकरा बाजार ना सजने के चलते बकरों के मालिकों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए जहां घूम घूम कर बकरों की बिक्री कर रहे हैं, वहीं बकायदा बकरों को कोरोना से बचाने के सिलसिले में उनको मास्क भी लगाए गए हैं। यही नहीं, बकरा मंडी में लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही बकरों को देखने और उनकी बोली लगाने की इजाज़त है। इधर आए हम लोग जो है बकरा देखने, और जब देखा तो पहले उन्होंने सैनिटाइज कराया बकरा वकरा, बकरा कराना भी हम लोग देख रहे हैं बकरा। तो किस तरीके से मतलब क्या रोड पे चलते फिरते बकरे मिलते? हाँ, चलते फिरते क्या, बस ये कि मंडी ना लगने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। हाँ, कैसे क्या हो रहा है वो दुकान व्यापारी आपको कैसे दिखा रहे हैं? मतलब बस ऐसे सैनिटाइजर लगा के दूरी बना के मास्क लगाए हैं बकरे। अच्छा, बकरे के मास्क लगा हुआ है कि मतलब उससे कोरोना वायरस की वजह से दूरी बनाए रखी है आप लोग। अच्छा, छूइए तो पहले हाथ में सैनिटाइजर लगा लगा लीजिए। हाँ, क्या वो सैनिटाइजर करा के? हाँ, सैनिटाइजर पूरा करा रहे हैं और दूरी बना के हम लोग देख रहे हैं बकरा। कोरोना जो महामारी फैली है पूरे देश में, तो इसकी वजह से हम इन लोगों को सब बकरों को मास्क पहनाया है और जो भी कस आ रहा है उसको सैनिटाइजर करा के फिर उसको छूने देते हैं ताकि कहीं महामारी जो फैल रही है कि और किसी को ना फैले। ईद उल अजहा के मौके पर अपनी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी देने की परंपरा है, लेकिन कोरोना के चलते शहर के बकरा बाजारों में भी अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में कोरोना फ्री बकरों की मंडी में पहुंचने से मुस्लिम समुदाय के लोगों की पहली पसंद ये बकरे जरूर बन गए हैं।